हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो स्वर का रिवीजन मैंने आपको करवा दिया, उसकी एक्टिविटी भी करवाई है, तो आई होप आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। और स्वर कौन से होते हैं बेटा? ए आ ई ई होते हैं ना, वो स्वर होते हैं। उनका रिवीजन मैंने आपको करवा दिया ना। आज हम किसका रिवीजन करेंगे? व्यंजन का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर सारे व्यंजन लिखे हैं लेकिन बीच बीच में छोड़ दिए हैं, तो उनको आपको इन जो खाली स्थान है वहाँ पर फिल करना है कि यहाँ पर कौन सा व्यंजन आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले कौन सा व्यंजन आता है? कैसे कबूतर। अब कैसे कबूतर के बाद में कौन सा व्यंजन आता है बताइए? कैसे खरगोश। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कैसे खरगोश। इस स्थान में क्या जाएगा? कैसे खरगोश। फिर गैसे गमला, घैसे घड़ी, डे खाली। फिर जैसे चम्मच, जैसे चरखा भी होता है, जैसे छतरी। फिर जैसे जहाज, या फिर जैसे जग भी होता है, जैसे जहाज। फिर जैसे जहाज के बाद में क्या आता है? जैसे झंडा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? जैसे झंडा। फिर ये खाली। फिर ये खाली के बाद में क्या आता है बेटा? इस लाइन में पहले ठेसे ठटेरा है, देखिए ठेसे ठटेरा से पहले क्या आता है? ठेसे टमाटर। ठेसे ठटेरा, ठेसे टमाटर के बाद में क्या आता है? ठेसे ठटेरा। फिर डैसे डमरू, डैसे डमरू के बाद में क्या आता है? यहाँ क्या आएगा खालिस्तान में? क्या आएगा यहाँ पर? डैसे ढक्कन। फिर अड़े खाली। अब इस लाइन में देखिए, तैसे तरबूज वाली में तैसे तरबूज, तैसे तलवार भी होता है, तैसे तराजू भी होता है, ठीक है। तैसे तरबूज, तैसे तरबूज के बाद में क्या आएगा? पूरी लाइन बोली तैसे तरबूज, तैसे थर्मस। तो यहाँ क्या लिख देंगे? तैसे थर्मस। फिर जैसे दवात, जैसे धनुष, जैसे धनुष के बाद में क्या आता है? नैसे नल। तो यहाँ क्या लिख देंगे? बैंक में नैसे नल। ओके, फिर पतंग वाला लाइन देखिए, पैसे पतंग, फैसे फल। फैसे फल के बाद में क्या आता है बेटा? वैसे बतख, या वैसे बकरी, वैसे बतख। फिर वैसे बतख के बाद में क्या आता है? वैसे भालू। फिर वैसे भालू के बाद में क्या आएगा लास्ट में बताइए? यहाँ पर क्या आएगा? मैसे मछली। तो यहाँ पर लिख देंगे मैसे मछली ब्लैंक में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, वैसे मछली के आगे वाला लाइन कौन सी होती है? क्या आएगा इसमें? वैसे रथ के पहले क्या आता है? यसे यज्ञ। फिर ऐसे रथ, वैसे रथ के बाद में लसे लट्टू। फिर वैसे वर्षा, वैसे वक भी होता है, वैसे वर्षा भी होता है, ठीक है। फिर सैसे सलजम, सैसे सलजम के बाद में क्या आएगा बेटा? सैसे षटकोण। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ब्लैंक में? सैसे षटकोण। फिर सैसे सपेरा, या सैसे सड़क भी होता है, ऐसे हाथी। फिर लास्ट लाइन में क्या? अक्षर से क्षत्रिय, त्रय से त्रिशूल, एंड त्रय से त्रिशूल के बाद में क्या आता है लास्ट में? जैसे ज्ञानी बाबा। तो जैसे ज्ञानी लिख देंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपके कैसे ज्ञेतक व्यंजन है बेटा, इनको आप नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है आपको, प्रैक्टिस करेंगे और इसको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।